हेलो बच्चों, सभी को इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पहले एक कहानी बताती हूँ। बास में इस हम कौन सा पाठ सीख रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ। एक गांव है, उस गांव में डॉक्टर, उनका बेटा और उनके बेबी घर में रहती थी। उस बेटे को उन्होंने पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में रखा था। तब क्या हो गया, एक दिन उनके बीबी ने और डॉक्टर ने कह दिया, उनके पास गाड़ी थी, डॉक्टर शिस्तबद्ध थे, कहाँ रहता था वहाँ कभी भी रुकते नहीं थे, ड्राइवर को अच्छे मार्गदर्शन पर जाने के लिए कहते थे। एक दिन अपने बेटे से बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अपने बेटे को देखने के लिए बेटा जिस गांव में पढ़ाई में रहता है उस गाँव में जाने के लिए डॉक्टर ने कहा। ड्राइवर लेकर वो ड्राइवर को बताते थे सभी गाड़ी कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। तब ऐसे ही जाते समय वो अपने बीबी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। एक गांव के रस्ते के ऊपर बहुत रश रहा था। तब उन्होंने अपने बीबी ने क्या कहा कि देखिए क्या हो गया है, पर वो डॉक्टर ने उस ड्राइवर को नहीं रुकने के लिए कह दिया। किस वजह से नहीं रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि यहाँ एक अपघात हो गया था। अपघात होने के बाद वहाँ के कोई लोग लेकर जाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर दवाखाना लेकर जाएंगे, पुलिस लगेंगे, किस लिए किया, कोई से किया, ऐसे अनेक प्रश्न आने वाले। बाद में वहाँ जाने के लिए कोर्ट के पास आना जाना पड़ेगा। इसके कारण डॉक्टर ने ड्राइवर को कह दिया कि आप गाड़ी मत रुकिए, वैसे ही गाड़ी लेकर जाने के लिए कह दिया। बाद में बच्चे के हॉस्टल में गए, पर वहाँ बच्चा नहीं था, उसका बेटा नहीं था वहाँ। उसके बेटे के दोस्त ने कह दिया कि वो गाड़ी पर ही आपको भेंट करने के लिए आपके गांव चला गया है। बाद में थोड़े ही देर बाद उनको डॉक्टर को फोन आ गया कि आपके बच्चों को, लड़के को अपघात हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। इस बात सुनकर डॉक्टर उस अस्पताल में गए और अस्पताल में जाने के बाद वहाँ का बेटे का एक पाँव को दर्द हो गया था, उसको ऑपरेशन होने वाला था एक पाँव का। वहाँ के लेकर आए वाले लोग कह रहे थे यहाँ से एक गाड़ी गई पर उस गाड़ी ने रुकाया नहीं, इसका कारण नहीं रुकाया उन्होंने, पर डॉक्टर को क्या पता था ये हमारा ही बेटा है करकर। बाद में उनके ऑपरेशन करकर एक पाँव को गवा लिया। इसका अर्थ क्या है इस कहानी से कि कहाँ भी अपघात हो गया तो वहाँ देखना चाहिए। आप छोरा को मत उलने के लिए कह दिया है। आजकल के बच्चे गाड़ी लेकर घूमते हैं, उसका नियमों का पालन करते हैं, 18 बरस की उम्र होने के बाद गाड़ी चलाना है, पर उसका पालन नहीं करते। आप लोग जाते समय देखते हैं वहाँ साइड ट्रैफिक नियम जो रहते हैं उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन किया तो भी किसी का ही नुकसान नहीं होने वाले। सभी बच्चे अपना गाड़ी लेकर जोर से घूमते हैं, जोर गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, आपका जीवन भी खतरे में, दूसरों का जीवन भी खतरे में। जीवन कैसा है, अनमोल है, इसको कभी मूल्य नहीं करने के लिए आता है। एक बार जीवन गया तो वापस नहीं मिलने वाला, कितने भी अपने कीमत दे दिए तो भी वापस नहीं आने वाला। आज हम डॉक्टर रमेश मिलन ने लिखी हुई जो कविता है उसका शीर्षक ये क्या है, अनुशासन ही शासन है। शासन का अर्थ कायदा जो है, नियम जो है, उस नियमों का अच्छी तरह से पालन करना। कविता का अर्थ क्या है, अनुशासन ही शासन है। ये जो शासन है, ये जो नियम है, इस नियमों का हमें डिसिप्लिन, अनुशासन होता है डिसिप्लिन, अरे हम क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसका अच्छी तरह से जब पालन किया तो हमें क्या हो जाएगा, अपघात नहीं होगा, हम अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं, दूसरों को भी बिताने के लिए अवकाश दे सकते। अभी देखा, अभी कोरोना के लिए छुट्टी रही, घर में बच्चे बैठते हैं नहीं बैठते, रोड के ऊपर खेलते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ाई की, दूसरे काम किया तो भी आपका ये क्या हो जाता है,
इजी हो जाता है। इस कवि के कवि परिचय मैं आपको बताती हूँ। कविता का नाम क्या है? अनुशासन ही शासन है। कवि परिचय, कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। ये कौन है? बाल साहित्यकार है। बालक में छोटे बच्चों के उन्होंने कविता संग्रह लिखा है, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा है। उनका नाम डॉक्टर रमेश मिलन, बाल साहित्यकार के रूप में याद रखिए। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 में हो गया। उनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1946। कहाँ हो गया उनका जन्म? देखिए आपको प्रश्न पूछते हैं, रमेश मिलन जी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उसका स्थल का नाम लिखने वाले, कब हुआ उसका जन्म की तारीख लिखने वाले। कहाँ और कब में फर्क है। कहाँ का अर्थ ठिका प्लेस लिखना है, कब कहा तो उनका जन्म डेट लिखना ही है। यस, उनका जन्म कहाँ हो गया है? माचड़ ग्राम। कहाँ आता है माचड़ ग्राम? बुलंदशहर में आता है। बुलंदशहर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मूचन ग्राम में उनका जन्म हो गया है। किसका? डॉक्टर रमेश मिलन का। उनकी शिक्षा क्या है? हिंदी तथा राजनीतिक शास्त्र में एमए किया है। हिंदी में एमए किया है, एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है? पॉलिटिकल साइंस। राज्य शास्त्र कहते हैं ना, उसका हिंदी और राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रमेश मिलन ने कौन कौन सी कहा लिखा है रचना, ये कहानियां लिखी है? मेहनत की महक, तीरथ ते पंखा कहानियां है, सरस गीत विज्ञान ज्ञान है, एक चमन के फूल उपन्यास है। और उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? उनके सोने की मछली धारावाही देखते हैं, पहले की धारावाही में सोने की मछली के ऊपर धारावाही निकला। आप सीरियल कहते हैं ना, कन्नड़ के सीरियल चालू होते हैं, हिंदी में वहाँ है, वहाँ के सोने की मछली हिंदी में सीरियल था, इस धारावाही निकली है सोने की मछली से। इसके लिए उनको NCERT पुरस्कार मिला है। सोने की मछली के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर रमेश मिलन को NCERT पुरस्कार मिल गया है। अभी इस पोएम कहाँ से ली गई है, कौन से कहानी कविता संग्रह से ली गई है? इस पोएम को लिखा है, कविता संग्रह को कोकिल कंठ सलोने गीत से ली है। हमें जो पोएम दी है डॉक्टर रमेश मिलन की, इस कविता कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। इस कवि परिचय डॉक्टर रमेश मिलन ने अनुशासन ही शासन को पद्य कविता को लिखा है, पद्य को लिखा है। अभी कोई कविता लिखते समय, पाठ लिखते समय, उसमें कोई तरी आशय होना चाहिए। आशय का अर्थ क्या? आपको समझ आना चाहिए। इस पोएम से हमें क्या सीख मिला? इस पोएम से हमें बहुत सीख मिलता है जीवन। वहाँ ट्रैफिक के जो नियम रहते हैं उस नियमों का इसमें उदाहरण आशय बताया है। आप गाड़ी जाते समय, आते समय सिग्नल देखा है? सिग्नल में कितने कलर होते हैं? 3 रंग होते हैं। लाल बत्ती रहती है, हरी बत्ती रहती है और पीली बत्ती रहती है। लाल बत्ती का कैंप कलर इंद, पीली अंक येलो कलर इंद, पीली कलर का येलो कलर को पीली कहते हैं, और हरा कलर है पीला का, हरा जो रंग रहता है, हरी में ग्रीन कलर की जो बत्ती रहती है। आपने ट्रैफिक के वहाँ से कम बड़े में चौक चौक रहता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती देखने के लिए मिलती है। लाल बत्ती हमें क्या कहती है? लाल बत्ती हमें रुकने के लिए नहीं कहती, निंदन भी। लाल बत्ती लाल दिया देखा तो हमें ठहरने के लिए करना चाहिए, रुकना चाहिए। वैसे ही गाड़ी चलाकर नहीं चलना चाहिए। आपके पास गाड़ी रही तो आप वहाँ ही रुकने के लिए। हरी बत्ती हमें क्या कहती है? चलने के लिए जगह जाइए। हरा रंग देखा तो हम अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, जोर से नहीं स्लो से अब वहां से जा सकते हैं। पीला रंग देखा तो येलो कलर को देखने के लिए, तो क्या करना है? आप गाड़ी सचेत रहना है, चालू करते समय रहना है, और हरा रंग देखा तो स्टार्ट कर जाने के लिए कहा है। वहां से ही अब इस कविता में रुकने के लिए ट्रैफिक नियमों का बताया है। वैसे ही पीली सचेत और जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क के ऊपर जेब्रा, आपने जेब्रा प्राणी देखा?
उसके शरीर के ऊपर ऐसे वही कलर के पट्टियां रहती है, उसको जेब्रा क्रॉस है। जेब्रा है कलर एनिमल्स के, वहां पशु प्राणी के ऊपर जेब्रे के व्हाइट कलर के पट्टियां रहती है, वैसे ही रोड के ऊपर ऐसे वही पट्टियां रहती है। कहां रहती है वहां पर रेड पट्टियां? वहां जहां सिग्नल रहता है, लाल पत्ती, पीली पत्ती, हरी पत्ती के जो पत्ती रहती है उसके साइड पर रोड के रास्ते के ऊपर ऐसे व्हाइट कलर की पट्टियां रहती है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। कब रहने वाले? जब रेड कलर का लाइट लगता है घूमने का, तो हम इस पादचारी लोग, पैदल जाने वाले लोग क्या करना चाहिए? इस जेब्रा क्रॉसिंग से चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग से आप चले गए तो क्या होने वाला? अपघात नहीं होता। इसके लिए इस नियमों का हम पालन करना चाहिए। शासन ने कहता नियम क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलना, लाल बत्ती रही तो रुकना चाहिए, हरी बत्ती रही तो चलना चाहिए, येलो बत्ती, पीली बत्ती रही तो क्या करना? सचेत रहना चाहिए। इस नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और इस पर ध्यान देते समय, सड़क पर करते समय, पार करते समय, पार करते हम इकाड़े अकाड़े को मुंद आ दाट मुंद पार शब्द करते ई रोडिंद आ रोड के पार मुंद हो मुंद ना ऐन ಮಾಡಬೇಕು? ध्यान रखने के लिए कहा है। ध्यान अंदर लक्ष्य ಕೊಡಬೇಕು। लक्ष्य ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ विचार ಮಾಡೋ ನಮ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? एक्सीडेंट ಆಗ್ತದ, ಅಪಘಾತ होता है। इसके लिए चारों तरफ देख कर रास्ता क्रॉस करने के लिए बातें हमें इस कविता में रमेश मिलन ने सिखाई है। डॉक्टर रमेश मिलन जेब्रा क्रॉसिंग का जो नियम है, इस नियमों का हमें पालन करने के लिए इस कविता में आशय, कविता का आशय कह दिया है। अभी हम क्या करेंगे? इस कविता को देखेंगे। यस, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या पैदल कभी न बैठो चलना। इसका अर्थ क्या है? अभी चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, चढ़ो अंदर मैल, चलती बस, चलती का अर्थ क्या? चालू बस, स्टार्ट करती है बस, उस बस में कभी भी चढ़ना चाहिए मैल एरंगिल्ला यावा चालू बस वळ यावा बस निंदत आवा न्यू मैल होबेकी बस निंदित मैल तळ केळबेकी कभी है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, तुम नंद न्यू यालारू एन माडबेकी चालू बस वळ एरबारू वैसे ही और कभी मत कूदो। इस पैराग्राफ में हमें क्या दिया है? संरक्षण, सावधानी बताइए। ये जो तीन लाइन है, इस तीन लाइन में हमें रमेश, डॉक्टर रमेश मिलन जी ने सावधानी बताई है। हमें सावधान से ऐसे काम करना चाहिए। मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसे जल्दी जल्दी गए तो क्या हो जाएगा? मुझे जाना है, सभी को जाने के लिए घर रखती है, जल्दी रहता है। उससे जाते समय ऐसे ही हम चलती बस में चढ़ने के लिए गए तो हम क्या कहेंगे? नीचे कूद जाएंगे। कूदने के बाद वहां से कभी मत कूद, ऊपर ही का पाव फिसल जाएगा, आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। कभी भी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, कभी भी उतरना नहीं चाहिए। कूद अंदर जरूर, कभी भी अब क्या करो? नीचे कूदने का काम नहीं करना है। स्टॉप आ गया है, मेरा स्टॉप आया है, मुझे जल्दी जाना है, बस भी नहीं रुकी और उतरने के लिए गए तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएंगे। बस नहीं रुकी, अब वैसे ही देखिए, आप बस स्टैंड पर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाने के बाद आप बस लगी है, लगे हुए बस में, चालू बस में कोई भी, बंद बस में कोई चढ़ते नहीं। जब बच्चे क्या करते हैं आजकल के, गाड़ी शुरू हो गई कि उसके ऊपर चलने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। उससे ज़्यादा गाड़ी जब रुकती है तब नीचे उतरना, रुकते वहाँ ठहरने का, वहाँ ऊपर चढ़ने का काम करने के लिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। अभी क्या करते हैं बच्चे? बाहर जाते हैं घूमने के लिए। खेलना कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलना चाहिए, खाली खुली मैदान रहती है उस मैदान पर खेलना चाहिए, पर बच्चे वैसे नहीं रहते। घर के सामने रोड रहता है, रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, लगोरी का खेल खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, बैट बॉल लेकर घूम खेलते हैं, साइकिल लेकर खेलते हैं, ऐसे सभी कहाँ खेलते हैं बच्चे? रोड के ऊपर खेलते हैं। रोड के ऊपर गाड़ी आती है, आप देखते हैं, आप खेलते हैं, मेल दंग रहते हैं, यहाँ वहाँ गाड़ी आती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैदान के ऊपर खेलना चाहिए,
रस्ते के ऊपर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेढ़ो चलना। आप साइकिल चलाते हैं या पैदल, पैदल अंदर पादचारी नड़को तो तेरी अलग पैदल अंदर ही बाय वॉक करते हैं इंग्लिश में। आप साइकिल हो में रहने दीजिए या पैदल रहने दीजिए, आप कभी भी क्या मत कीजिए उसको पैदल। बेढंग, बेढंग शब्द का अर्थ क्या है? अंधाधुंधी, बन मानी। ये मेरा ही रहता है, देखते हैं चार पांच लोग, महिलाएं या सहेलियां या दोस्त, आपके दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ रोड के ऊपर बातचीत करते जाते हैं, लाइन पर जाते हैं। मगाने वाले कैसे जाना, हॉर्न बजाते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, वो उनके उनके बातों में दंग रहते हैं, उनको हॉर्न सुनने के लिए नहीं आता। इससे ठिकान पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देकर चलना चाहिए, बेढंगता से नहीं चलना। साइकिल लेना यहाँ वहाँ तिरका भर कर गए तो चलेगा क्या? नहीं चलता। इसके लिए रस्ते के जो नियम है, जो नियमों का पालन किया, अंधाधुंधी से नहीं चलना। बेढंग, बेढंग शब्द का अर्थ है अंधाधुंधी। उसके ऊपर हमें साइकिल हो या पैदल हो, हमें क्या करना चाहिए, बेढंगता से नहीं चलना चाहिए। इसके लिए कवि पहले पैराग्राफ में तीन पंक्तियों में कवि ने क्या बोलते हैं, सावधानी से रखने के लिए इस कविता में कवि ने पहले पैराग्राफ में कर दिया है। इसका हम क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क बताती हूँ। इसका आशय जो है आज, इसका आशय आप लिख सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए, इस नोटबुक के लिए में आप आपका आशय लिखने का काम कीजिए। धन्यवाद।